हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज है हमारा डे 4। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना फुल व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एकदम सब कुछ टाइम टाइम करना पड़ता है यहाँ पे मुझे। तो ये देखो, खेत में मोर नाश्ता हुआ, मैंने इसका क्लिप ले लिया आपको दिखाने के लिए। फिर उसके बाद आज हल्दी है हमारी, तो आज पूरा घर को हमें गोबर से लीपना होता है। तो मैंने भी ये ट्राई किया और मुझे जितना है मैंने उतना यहाँ पे गोबर लीपा। थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हुआ था, सब मुझे बोलते कि नहीं तो सही नहीं कर रही है, बट फिर करते करते मुझे भी आ गया गोबर लीपना। फिर गोबर लीपने के बाद बारी आती है अपने घर की, जहाँ पे मैं सोती हूँ। तो ये हमारा रूम है, तो मैंने फटाफट इसको पूरा सब था मिक्सअप था, तो मैंने उसको साइड में किया, सारा सामान अच्छे से घर को सेट किया मैंने। फिर उसके बाद मुझे घर को पूरा धोना है, तो पानी मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी थी और मैंने बहन को बोला जाके झाड़ू ला के दो मुझे, तो वो गई और झाड़ू लेके आई। फिर इसके बाद मुझे घर पूरा धोना है। सुबह शाम दो टाइम मुझे ये सेम चीज करना पड़ता है, क्योंकि सब कपड़ा सारा चीज यहाँ वहाँ हो जाती है लेने के चक्कर में। तो ये हो चुका था, चलो अभी घर धोते हैं। तो मेरी बहन जो मेरी हेल्प करती है हमेशा वीडियो के लिए, किसी को बोले तो मेरा वीडियो वगैरह बना देते हैं, तो वो पकड़ी है फोन और मैं ये सब काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद टेबल को हटा कर, सो चलो अभी फाइनली हमें घर धोना है। तो मैंने बाल्टी में पानी लिया है, झाड़ू लिया है, और इससे दो मिनट फटाफट मेरा घर साफ हो जाता है। तो दिन भर में कम से कम 3-4 बार मैं ये प्रोसेस करती हूँ, तो पूरा रूम जो है वो ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है इतना गर्मी है इसमें। तो ये सब काम होने के बाद अभी मैं जाकर रेडी होने वाली हूँ हल्दी के लिए। हल्दी के बाद फिर नेक्स्ट डे पूरा दिन का रामायण होने वाला है, 24 घंटे का, आई थिंक 48 घंटे का, सो लेट्स सी। तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर उसके बाद है शादी, और शादी में भी बहुत काम रहेगा और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो आप देखना और उसको शेयर करना दोस्तों। तो यहाँ पे जितने दिन रहूंगी मैं उतने दिन का मैंने व्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का क्लिप, यहाँ का पूरा नेचर का वाइब अलग ही होता है। तो कौन कौन गाँव में है और कौन कौन शादी में अटेंड कर रहा है तो मुझे बताओ। फिर एंड में सब होने के बाद सब छत पर खाना खाने के लिए आगे। बाय बाय, टेक केयर।